बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत क्वेरी आ रहा था कुछ बात का क्लियर करने के लिए कि इंटरव्यू में क्या सर्टिफिकेट के बारे में कुछ क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्यूरी थे। इस वीडियो में सारा क्यूरी को सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे, आपको क्या क्या ध्यान रखना है जिनका लखनऊ में इंटरव्यू है वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को देखते हुए कुछ निष्कर्ष पर मैं आया हूँ। जो भी पैनल 8 के बच्चे हैं, ठीक है, जो पैनल 10 के हैं या पैनल 9 के हैं, जो 8 के हैं ऑनर्स पे फोकस करेंगे। ऑनर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक का जो भी ट्रेंड चल रहा है। पैनल 10 वो नेटिव पैलेस पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। नेटिव पैलेस जिनका घर जहाँ से बिलोंग करते हैं जो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पैनल 10 से पूछे जा रहे हैं। पैनल 9 में बैंकिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और करेंट इवेंट, ठीक है, बैंकिंग और करेंट इवेंट से ज़्यादा क्वेश्चन एराइज किए जा रहे हैं। ये अभी तक जो ट्रेंड यही चल रहा है, आगे का मैं नहीं बता सकता लेकिन अभी तक ये ट्रेंड चल रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख के जाएंगे। नेटिव पैलेस, ऑनर्स पेपर और बैंकिंग, ये पैनल 8, 9 और 10 का अभी तक यही ट्रेंड चल रहा है। जिनका भी लखनऊ में इंटरव्यू है ध्यान से इसको समझ लें। और डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, लखनऊ में डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। देखिए, मेरे सामने आके ऊपर से जब मेरा इंटरव्यू का डीवी हो रहा था उस समय मेरे सामने एक सीनियर आके बोले थे कि जिनका ओबीसी भारत सरकार के द्वारा नहीं बना हुआ है जो भी फॉर्मेट, उनको बाहर कर दिया जाए। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए 1 ईयर के, ठीक है, 1 ईयर के अपडेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं एडुकेशनल सर्टिफिकेट के, ये भी आपके पास ओरिजिनल साथ साथ 2 कॉपी होना चाहिए। और ये एडुकेशनल सर्टिफिकेट में मान लेते हैं जो भी लोग ग्रेजुएशन किए हैं 3 ईयर के, उसमें हर सेमेस्टर का आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। एडुकेशनल में मैट्रिक यानी 10, 10+2, ठीक है, ग्रेजुएशन जो भी आपका बीएससी की है, बीए की है, बीकॉम की है, एमए जो भी किए हैं, एमएससी, एमए, सब का ओरिजिनल सेमेस्टर वाइज सब का होना चाहिए। जो भी आप फोटोकॉपी देंगे उसका ओरिजिनल होना चाहिए। फिर बहुत सारा क्वेश्चन था कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना है कि नहीं। जो भी फॉर्म में आपने मेंशन किया है डीसीए किया है तो डीसीए देना है आपको, और मैंडेटरी है, देना ही है आपको, इसमें कोई भी शक मत रखिएगा। एडुकेशनल सर्टिफिकेट ऑल ईयर होना चाहिए, सेमेस्टर वाइज आपके पास ओरिजिनल फोटोकॉपी। ओबीसी आपका भारत सरकार का 1 ईयर के अंदर, ईडब्ल्यूएस भी 1 ईयर के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। डीसीए आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, अगर आपने डीसीए लिखा है तो डीसीए, अदर डिग्री लिखा है तो अदर डिग्री, जो भी लिखा है वो सर्टिफिकेट कंप्यूटर का होना चाहिए। देखिए, बायोमेट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन थे, बायोमेट्रिक क्या है, कैसे हो रहा है, तो आपने जो मेंस में इस बार पता है कि मेंस में बायोमेट्रिक फिंगर का नहीं हुआ था, ठीक है, तो इस बार जो मेंस में आपका आयरिस स्कैन हुआ था, दोनों आंखों का जो आयरिस स्कैन हुआ था, उस आयरिस स्कैन को मैच किया जा रहा है। जब इंटरव्यू में आप जाइएगा, इंटरव्यू को पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आयरिस को मैच किया जा रहा है। जब मैच होगा, ठीक है, तभी आपको 50% से अधिक मैच होना चाहिए, मैच होगा तभी आपको इंटरव्यू के लिए आगे भेजा जाएगा, मैच नहीं होगा तो वहीं पर आपको वापस कर दिया जाएगा। यही है, मैच हो रहा है जो मेंस के, जो भी मेंस में आपका जो आयरिस स्कैन हुआ था उससे मैच हो रहा है। तो और भी अगर कोई कंसर्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर इसको सॉल्यूशन दिया जाएगा। और जो भी बात मैंने बताया है वो ध्यान में रखिएगा, और ख़ासकर डीसी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस पे फोकस कीजिएगा, पुराना नहीं होना चाहिए। और जो पैनल के बारे में जो भी मैंने बताया उसको समझ में आ गया होगा, ध्यान में रख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में कमेंट कीजिए, फिर आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तब तक कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।